आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह चौहान। चौहान साहब, आप अभी ये युवा सम्मेलन में आए, अमित शाह जी को आपने सुना, तो क्या संदेश लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? हम ये संदेश लेके जा रहे हैं, अपने देश को मजबूत करना है तो मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री, मोदी जी को दोबारा लेके आना है। आपका शुभ नाम जी? कमल सक्सेना नाम है मेरा। सक्सेना जी, अभी अमित शाह जी को आप लोग सुन रहे थे, काफ़ी देर से वो बोल रहे थे, तो क्या मन स्थिति अभी बनी है और क्या संदेश हम लोग? मन स्थिति ये बनी है कि जो ऐसा उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, परिवारवाद जिसके अंदर नहीं है, और एक बूथ का कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसी पार्टी के लिए जो देश के हित के लिए काम कर रही है, तो नेचुरल है कि मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने पूरा तन मन धन से। आपकी बार फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 200 पार। अच्छा, मुख्यतः अभी शिवराज सरकार से आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं कि अभी आगे और क्या होना चाहिए? शिवराज जी की सरकार से अपेक्षाएं तो ये कहना चाहिए कि हर कार्यकर्ता की और हर जनता की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं लगातार बनी रहती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपेक्षा तो कभी पूर्ण होती नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता है, और जो जिस तरह की समस्याएं आएंगी तो मैं आने वाली सरकार से, शिवराज जी सरकार से उम्मीद करता हूं, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन सारी समस्याओं में शिवराज सरकार का और मोदी सरकार का जितना मेरे से हो सकेगा सहयोग दूंगा, और शिवराज जी से भी यही आशा करता हूं। आपका शुभ नाम बताएं? उम्मीद सिंह यादव। यादव जी, अभी अमित शाह जी को आपने सुना, क्या संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से? बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने, युवा के प्रति बहुत अच्छा संदेश दिया है कि बूथ से उठ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कमर कस के जा रहे हैं और क्या? अच्छा, क्या संदेश लेके जा रहे हैं अमित शाह? संदेश ये लेके जा रहे हैं, ये उन्होंने मार्गदर्शन हमने उनसे प्राप्त किया है कि अब की बार 200 पार पूरी ताकत के साथ। अच्छा, पूरी ताकत और पूरी कमर कस ली, पूरी कमर कस के साथ। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि अब की बार 200 पार का लक्ष्य पूरा ही होना चाहिए। अमित शाह जी को अभी आपने सुना, आपका शुभ नाम? सुग्रीव सकवार, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति। अच्छा, सुग्रीव जी हमारे साथ में है, तो अभी जो उद्बोधन सुना अमित जी का आपने, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा हमारे अंदर आई है? आदरणीय अध्यक्ष जी का, हमने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुना, उससे हर युवा में जोश भरा है, जोश भरा है, और उनने हकीकत जो भी काम हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो सब जिसको पता नहीं था उनको भी जानकारी आज मिली है, अब युवाओं में जोश भरा है और ताकत के साथ काम करेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 100% 200 पार। तो ये हमारे ग्वालियर के युवा थे, जो कि संस्कृति गार्डन ग्वालियर से हम लोग अभी बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उद्बोधन कर रहे थे युवा सम्मेलन के लिए, तो क्या संदेश लेके आप जा रहे हैं सबलगढ़ में? आप क्या संदेश यहाँ से? हम यहाँ से ये संदेश लेके जाएंगे कि हमारा लक्ष्य कमल का फूल होगा, और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से लाना है। अब की बार हमें 200 पार जाना है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी आने से आपकी सरकार दोबारा आती है जी, तो आपकी और भी कुछ अपेक्षाएं हैं कि अभी ये काम और बाकी है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है? अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दोबारा जब आएगी जी, तो जो कुछ काम अधूरे कुछ रह गए हैं, क्या काम, ऐसे काम जो रह गए हैं वो क्या काम है, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो ऐसे कुछ काम है जैसे कुछ निर्माण कार्यों में कुछ कमी रह गई है, उनको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और उन कामों के पूरा करेंगे। एक युवा होने के नाते आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? आने वाली सरकार से अपेक्षा मैं यह रखूँगा इसके जो सरकार आएगी वो हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे और सुसंगठित सरकार का निर्माण कर लोकतंत्र को मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा हम लेकर इस मैदान से जा रहे हैं, और ग्वालियर के इस संस्कृति गार्डन मैदान से हम दृढ़ संकल्पित होकर जा रहे हैं कि अब की बार 200 पार। रोजगार के अलावा और क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से? रोजगारी मैंने रोजगार रहता है, रोजगार चाहता है, अगर हाथ में हुनर है और कुछ ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जिससे हर हाथ को कार्य अगर मिलता है तो निश्चित रूप से
हमारा युवा आगे बढ़ेगा और हमारा युवा यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व की अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं शुभकामनाओं के साथ संस्कृति गार्डन से मैं आशीष पांडे हूँ।